पंजाब और केपी में इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी, मौकिफ अपनाया। अदालत उज़्मा का 11 रुकनी लार्जर बेंच का फैसला मौजूद है। बेंच ने माजी में इलेक्शन 4 माह आगे बढ़ाने की इजाज़त दी। मजीद कहा, इलेक्शन की तारीख देने का अख्तियार अदलिया को हासिल नहीं। आइन ने अदलिया को हक नहीं दिया कि वो इंतखाबात के लिए तारीख दे। इलेक्शन कब होंगे, असम्बलियाँ कब तहलील की जाएंगी, हुक्मरान इत्तेहाद और तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात नाकाम। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए, 14 मई को दो सूबों में इलेक्शन करा दें। इसहाक डार बोले, दोनों जानिब से लचक दिखाई जा रही है, असम्बलियाँ तोड़ने की तारीख पर मजीद मुज़ाकरात की ज़रूरत है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब की ऑडियो लीक, तहकीकात के लिए स्पीकर ने खसूसी कमेटी बना दी। मोहम्मद असलम भूतानी 10 रुकनी कमेटी के चेयरमैन मुकर। आइंदा माली साल के बजट की तैयारियां, बजट 9 या 10 जून को पेश किया जाएगा। ज़राए का कहना है, तरक्याती बजट में 250 अरब रुपये इजाफे का इम्कान, 900 अरब रुपये से जायद का हो सकता है। 80% बॉर्डर फेंसिंग के बावजूद स्मगलिंग का इंकशाफ, बड़े मसले को हल करने में हुकूमत बेबस। सैनेट की कायमा कमेटी में 2 हुकूमती सैनेटर्स उलझ पड़े, सादिया अब्बासी और अनवारुल हक काकड़ में तल्ख जुमलों का तबादला। सैनेटर सादिया अब्बासी ने कहा, आप वजीर आजम ऑफिस की तजलील नहीं कर सकते। अनवारुल हक बोले, तजलील नहीं, हकायक बता रहा हूँ, आपको हक नहीं इस तरीके से बात कर। कराची वालों को महंगाई का झटका, बिजली 3.70 रुपये फी यूनिट महंगी। इजाफा मार्च की महाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया, 5 अरब 47 करोड़ 10 लाख का इजाफी बोझ पड़ेगा। इतलाक लाइफलाइन सारिफीन पर नहीं होगा। खुशहाल बलूचिस्तान तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन। खुशहाल बलूचिस्तान मुस्तहकम पाकिस्तान की जमानत है। सूबे की तामीर और तरक्की में पाक फौज भरपूर मावनत फराहम कर रही है। सेहत, तालीम, खेल और रोजगार के बेशुमार मंसूबे शामिल हैं। महकमा खजाना सिंध में 15 अरब से जायद की बदउनवानी की तहकीकात का आगाज। 5 रुकनी कमेटी बना दी गई, पेंशन और फैमिली पेंशन के मामलों की छानबीन की जाएगी। 30 मार्च को मुख्तलिफ जिले अकाउंट्स ऑफिस के 15 मुलाजमीन को मुअत्तल किया था। पंजाब में जराइम रुक न सके, उकाड़ा में स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने सरेआम खातून से लूटमार की। मोटरसाइकिल सवार मुलजमान लाखों के जेवरात ले उड़े। फैसलाबाद झंग रोड पर हाउसिंग सोसाइटी में वाटर पम्प चोरी, CCTV फुटेज के बावजूद मुलजिम आजाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोलियूस के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे, जो कुआन पाकिस्तानी, मुखे मेहरबानी करे पंजो आकाश वापस कयो। अमरीकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदाम उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ, क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।